गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसको उसका उत्तर आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा। इस डस्टर की आकृति कैसी है? या क्या है? क्या है? डस्टर। हाँ शाबाश, बैठ जाइए। इसकी आकृति घनाभ है। इसकी आकृति घनाभ है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे? घन। डस्टर की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे? आयतन। हाँ, आयतन कहेंगे इसको हम। डस्टर का आयतन या घनाभ का आयतन कहेंगे। घनाभ के आयतन से आप क्या समझते? इस कॉपी का आकार घनाभ के जैसा है। इस कॉपी का आकार घनाभ के जैसा। इस कॉपी की लंबाई तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई से घिरी हुई आकृति को हम कॉपी का आयतन या घनाभ का आयतन कहेंगे। घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नहीं तो और होता है लंबाई गुणे से। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का आयतन मुझे निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इसको सॉल्व कर फॉर्मूले में रखेंगे तो इसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक का एडमिशन की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। चिपको
डिजिट है 5 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 120 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। दूसरा है लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। नोट कर लिया? यस मैम। हम आप लोगों से डिवीजन क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग उत्तर दीजिए। घनाभ में कुल एक घनाभ की किन्हीं दो भुजाओं के बीच समकोण का कोण बनता है। समकोण का कोण बनता है, बस कर दे। आप लोगों को होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। नोट कीजिए आप लोग होमवर्क, इसको आप लोगों को घर से करके लाना है। जी हो गया। Thank you.